अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी बहुत ही मज़ेदार सी एक गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं यहाँ पर अपना सिंपल सा जो ब्रेकफास्ट है वो बना रही हूँ। आज एक्चुअली काफ़ी दिनों के बाद मैं अपना टोस्टर यूज़ कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं अपने पैन में ही जो अपने टोस्ट है उनको सेक लिया करती थी, लेकिन आज काफ़ी दिन के बाद मैं अपना टोस्टर यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मज़ेदार सा जो सिंपल सा बिल्कुल मेरा ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो रहा है। तो यहाँ पर जी मैंने अपनी ज़बरदस्ती जो चाय है वो रेडी कर ली है, और चाय मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लाइक नहीं करती, लाइक मुझे मीडियम स्ट्रांग वाली पसंद आती है। और उसके बाद यहाँ पर जी मेरा सिंपल सा जो एग है वो बन रहा है। और नाश्ते में मैं बहुत ज़्यादा लाइक कोई चूज़ी नहीं हूँ, मुझे सिंपल सा अंडा ब्रेड मिल जाए तो बस मेरे लिए वो बेस्ट है, और कभी कभार पराठा भी खा लेती हूँ। और आज जो है ये बटर जी मुझे साथ में इसके बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अंडे के साथ एक जैसे बाइट बनाकर खाते हैं। आजकल मैं कुछ इस तरह से ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। तो जी यहाँ पर जल्दी से डन कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, और उसके बाद जी ये है सारी की सारी ग्रॉसरी जो कि हम लोगों ने कल में डन की है, और थोड़ी सी कुछ वेजिटेबल्स हैं, दालें हैं, और बाकी जो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ। तो ये हैं जी सारी वेजिटेबल्स। अनियन का ये बड़ा सा पैक था जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें छोटी छोटी अनियन है साइज़ की, मतलब मीडियम साइज़ की अनियन है। एक लाइक दो बंदों का जैसे खाना हो तो उसमें एक जो है वो परफेक्ट है। तो ये एक बड़ा सा मैंने अनियन बैग ले लिया था, और साथ में जो ये हरा धनिया है, ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये सब हम इंडियन स्टोर से लेकर आए हैं। और ये ग्रीन चिलीज हैं जो कि थोड़ी सी तीखी हैं, यहाँ से जो मिलती हैं वो इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती। और टोमेटोज मेरे पास ऑलरेडी भी बड़े हुए थे, तो थोड़े से मैंने जो टोमेटोज हैं वो और ले लिए यहाँ पर। और ये है जो यहाँ पर मिंट पुदीने की, यहाँ पर मैं एक की चटनी बनाकर रख लूँगी और दूसरा जो है बिरयानी बनानी है मैंने इंशाल्लाह कल परसों में, तो उसमें डाल दूँगी। और ये है जी मेथी जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थी और बड़ी अच्छी लग रही थी। और वेजिटेबल्स में मैंने ये भी ले ली कि एक दिन हम लोग मेथी ज़रूर बनाएंगे, और मेथी वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, मैंने आज तक कभी भी मेथी नहीं बनाई। और ये घिया है, घिया इसलिए लिया कि घिया और चने की दाल जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरे हस्बैंड की, तो मैंने सोचा कि एक दिन घिया और चने की दाल पका लेंगे। और ये जो करेले हैं जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, और यहाँ पर ये काफ़ी सारे मैं करेले ले आई थी, और ये 2 टाइम्स जो है ईजीली पक जाएंगे। और उसके बाद जो यहाँ पर एक पैकेट मैं ले आई थी चाट वाली जो पकौड़ियाँ होती हैं वो, ये ऑलरेडी मेरे पास 2 पैकेट्स पड़े हुए थे और मैं एक और ले आई क्योंकि 2 मंथ्स के लिए ये इनफ थे। और ये है जी सेवियाँ, कभी कभार शीर खोरमा बनाना हो या कभी वैसे ही सेवियाँ खाने का दिल होता है तो अक्सर हम लोग बना लेते हैं। और ये फेनियाँ, और ये साथ में काफ़ी सारे नूडल्स हैं जिनमें से आधे हैं और आधे मैंने बैग में रखे हुए हैं। तो खैर जी ये सारी नूडल्स हैं जो कि मैं अक्सर ही भूख लगी तो फ़ौरन से खा लेती हूँ, और ये एवरीडे है जो कि मैं अपनी चाय में ज़रूर डालती हूँ। यहाँ का जो दूध है वो मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता, इस तरह से मुझे चाय नहीं अच्छी लगती। और ये है जी सारे स्पाइसेस जिनमें से कि क्रश रेड चिलीज़ हैं और रेड होल वाली जो चिलीज़ होती हैं वो हैं, आलू बुखारा है, और ये ज़ीरा है जो कि मैं हर खाने में ज़रूर डालती हूँ। चाइनीज सॉल्ट है और वो ब्लैक कार्डियम है, और ये ग्रीन कार्डियम है, और ये साथ में इमली है, अनारदाना है, और ये है जी जैगरी है, गुड़ है यहाँ पर, और वो साथ में खोया है। और ये सारी चीज़ें जो है ये मेरी रूटीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ये डेली बेसिस पर मैं ये सब चीज़ें जो है यूज़ करती हूँ। और ये साथ में होल वाला जो साबुत धनिया होता है वो, क्योंकि मैं घर में अक्सर खानों में जो है वो घर में कुटा हुआ जो धनिया होता है वो यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जी साथ ही साथ में मैं जो चीज़ें आलमोस्ट मेरी फिनिश हो चुकी थी मैं जार्स को यहीं पर सारा भर लूँगी, और उसके बाद जो बचेंगी चीज़ें फिर मैं वो सारी सेव कर लूँगी। और आज मैं आपको ये भी दिखाऊँगी कि जैसे हमारे लाइक हमने आधा पैकेट डाल दिया और जो आधा बच गया है उसको हम कैसे संभालें, या लाइक मैं कैसे सेव करती हूँ। तो मैं इस तरह से एक बड़ा जो कंटेनर है वो ले लेती हूँ, और इसमें जितनी भी बची हुई चीज़ें हैं वो सारी मैं एक इस तरह से डब्बे में डाल लेती हूँ, और जब भी कोई चीज़ दोबारा से रीफिल करनी होती है तो मैं पूरा बॉक्स निकाल लेती हूँ। और इस तरह ये कि कीड़ा नहीं लगता, ख़राब नहीं होती, चीज़ें आपकी बिल्कुल सिक्योर रहती हैं। और ये हैं जी यहाँ पर दालें जो कि मेरे घर में ये बहुत ज़्यादा बनती हैं, और ये सारी दालें थी जो कि आलमोस्ट फिनिश थी, और इनमें से कुछ जो थी पहले से थी लेकिन वो कम थी। तो यहाँ पर जी मैं सारी जो दालें हैं वो ले आई हूँ, और इनको भी मैं साथ ही साथ जल्दी से जो है सारे डब्बों में डाल दूँगी। और यहाँ पर ये भी जो मेरा काम है ग्रॉसरी करने वाला भी डन, और आज जो है ये सारे का सारा संभालने वाला भी डन, और कल से जो है इंशाल्लाह
वो फिर मैं अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट करने की तरफ आऊँगी और इंशाल्लाह आप लोगों को भी ज़रूर आइडियाज़ दूंगी कि हम लोग कैसे छोटी छोटी चीज़ों से लाइक अपने घरों को जो है डेकोरेट कर सकते हैं। और मेरी तो मुझे लगता है ना वैसे भी शायद आदत है, हर 2 से 3 माह के बाद मेरा दिल करता है लाइक कुछ चेंज होना चाहिए और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत जो है वो चेंज लाऊँ। तो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने घर को थोड़ा सा चेंज करूँ। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे जो नेक्स्ट व्लॉग है उसमें जो मेरी एफर्ट है वो अच्छी लगेगी। और जी यहाँ पर जो मेरे ऑलमोस्ट सारे जो जितनी भी ग्रॉसरी मैंने की थी वो सब की सब अपने डब्बों में जा चुकी है और अपने साथ साथ में जगह पर संभालती जा रही हूँ, प्लेस करती जा रही हूँ जहाँ की चीज़ें हैं वहाँ पर। और उसके बाद आ जाती है जी बारी यहाँ पर वेजिटेबल्स की। तो वेजिटेबल्स में जो भी लाती हूँ, फ्रूट्स लाती हूँ, वेजिटेबल्स लाती हूँ, वो सारी मैं यहाँ पर वॉश करके और फिर रख देती हूँ एयर ड्राई होने के लिए। जब वो एयर ड्राई हो जाती है तो उसके बाद मैं उसको फ्रिज में रखती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि जब हम लोग वेजिटेबल्स लाएँ तो फ़ौरन जो है उनको इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि अगर वेजिटेबल्स फ्रेश पकाए जाएँ तो उनका टेस्ट ही कुछ और होता है, और अगर आप उनको फ्रेश ना बनाएं और थोड़ा पुराना करके बनाएं तो उनका टेस्ट जो है वो कुछ और होता है। और लाइक इस तरह की वेजिटेबल्स जैसे कि ये करेले हैं और जैसे घिया है, इस तरह की चीज़ें आपको अमेरिकन स्टोर से बिल्कुल नहीं मिलती। ये आपको टिपिकल जो पाकिस्तानी स्टोर्स हैं लाइक जैसे कि अभी हम एडिसन गए, ये मेथी और ये सब चीज़ें वहाँ से ही मिलती हैं। यहाँ से बस आपको भिंडी मिल जाती है, पालक मिल जाती है और गोभी मिल जाती है, सिर्फ यही 3 चीज़ें मिलती हैं। और हाँ कभी कभार जुकीनी भी मिल जाती है। तो खैर जी यहाँ पर सारी जो मेरी वेजिटेबल्स हैं वो हो चुकी हैं वॉश, मिंट जो है वो भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और उसके जो लीव्स हैं वो सेपरेट कर लिए हैं। और ये है जी पाकिस्तानी योगर्ट जो कि टेस्ट में बिल्कुल लाइक जैसे पाकिस्तान से मिलता है। इसकी कंसिस्टेंसी भी वैसी है, थोड़ा लाइक वहाँ का जो योगर्ट है वो थोड़ा सा पतला होता है, यहाँ का जो योगर्ट है वो थोड़ा सा गाढ़ा होता है। और इतने मज़े का ये योगर्ट था। और बिरयानी जो है वैसे तो मेरा प्लान था कि मैं कल बनाऊंगी, लेकिन बस नाम लिया और मेरा दिल कर गया कि बस अभी बना लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ टेस्टी सी बिरयानी। और बिरयानी जो है जी वो वन ऑफ माय फेवरेट डिश है, मुझे बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर मैं मज़ेदार सी अपनी जो बिरयानी है वो रेडी कर रही हूँ। और ये योगर्ट मुझे इतना ज़्यादा लाइक मज़े का लगा, इतना ज़्यादा टेस्टी लगा कि अभी मैं इसमें चीनी डाल के और ये खाने लगी हूँ। और पाकिस्तान में अक्सर ऐसा होता था कि ब्रेकफास्ट में हम लोग दही खाया करते थे नान के साथ या पराठे के साथ। तो आज मेरे ख्याल से जब से मैं यहाँ US आई हूँ तो ये फर्स्ट टाइम मैं इस तरह से योगर्ट में चीनी डालकर खा रही हूँ। अदरवाइज यहाँ से वैसे काफ़ी किस्म के मज़ेदार से जो योगर्ट हैं वो मिलते हैं, योगर्ट आइसक्रीम्स मिलती हैं। योगर्ट के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइक काफ़ी तरीक़ों से जो योगर्ट है वो खाया जाता है और सारे ही तरीके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन ये जो हमारा देसी और सिंपल तरीका है लाइक दही में सिर्फ सिंपल सी चीनी डाल खा लो, इसका अपना ही मज़ा है। तो खैर जी यहाँ पर मेरी मज़ेदार और टेस्टी सी जो बिरयानी है वो हो चुकी है रेडी और अब मैं इसको यहाँ पर देने लगी हूँ जी दम। और सॉरी आपको पीछे से रायन का थोड़ा सा अगर शोर आ रहा हो क्योंकि ये बिल्कुल नहीं सुन रहा और मुझे वीडियो अपलोड करनी है क्योंकि मुझे रेगुलर होना है। तो खैर जी यहाँ पर अब दे देते हैं बिरयानी को दम और साथ ही मैं जल्दी से सैलड और रायता रेडी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं बिरयानी या राइस किसी भी फॉर्म में बने हो, मैं रायते के बगैर और सैलड के बगैर मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और मेरे घर में कभी भी नेवर एवर कभी भी नहीं चावल इस तरह से खाए जाते कि सलाद ना हो या रायता ना हो। और जी साथ ही मैं यहाँ पर कुछ शामी कबाब मेरे फ्रीजर में हमेशा से जैसे कि आपको पता है कि जरूर बने पड़े रहते हैं, तो यहाँ पर जी जल्दी से मैंने उनको डिफ्रॉस्ट किया और यहाँ पर मैं अपनी जबरदस्ती जो शामी टिक्कियां हैं वो भी रेडी कर लूंगी और इस तरह से जो प्रॉपर बिरयानी का मजा है वो डबल हो जाता है। और मुझे इसी तरह से बिरयानी अच्छी लगती है, मुझे बिरयानी के साथ और मटन पुलाव के साथ बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं शामी कबाब। तो यहाँ पर जल्दी से मैं फ्राई कर लूँगी शामी कबाब और यहाँ पर जो मेरी बिरयानी है वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और मैं हमेशा जब बिरयानी को दम देती हूँ तो उस टाइम पर मैं सैलेड, रायता और शामी कबाब तीनों जो काम है वो जल्दी से रेडी कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम लोग ऐसे गर्मा गर्म और बिल्कुल फ्रेश जो बिरयानी है उसको इंजॉय करते हैं। और बिरयानी जो थी बिलीव मी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। और इस बिरयानी की जो रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। और ये वाली जो शामी टिक्कियाँ हैं इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। मेरे चैनल पर 2 शामी टिक्कियों की रेसिपी मौजूद है, लेकिन ये वाली जो है इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पर जी मेरा ज़बरदस्त सा जो रात का डिनर है वो हो चुका है रेडी और अब हम लोग इन्जॉय करने लगे हैं अपने डिनर को। और आई होप कि आप लोग भी इन्जॉय कर रहे होंगे मेरे इस व्लॉग को।
जी तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मजेदार से बिरयानी जो थी वो हम लोगों ने खाई और बहुत ही ज्यादा मजा आया। और उसके बाद यहाँ पर थोड़े थोड़े से जो गले हैं वो पेन कर रहे थे। एक्चुअली सर्दी काफी ज्यादा है तो इस वजह से यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी अंडा और दूध, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों को फ्लू हो रहा है या कोई इस तरह की आपकी कंडीशन हो रही है, लाइक हुआ नहीं है होने से पहले, तो आप इस तरह से दूध में अंडा डालकर इस तरह उसको फेंट लें और थोड़ा थोड़ा अंडा डालें और इस तरह से मिक्स करें और ये पिए तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, सर्दी से बचाता है आपको और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। पाकिस्तान में तो अक्सर हम लोग ये सर्दियों में पिया करते थे, लेकिन जब से मैं यहाँ US आई हूँ ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी ऐसा कह रहे थे लाइक हुआ नहीं है फ्लू, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ दिनों तक फ्लू हो जाएगा। तो इस वजह से जी यहाँ पर मैं आज अंडा और दूध बना रही हूँ और इसमें आप लोग चीनी भी ज़रूर डालेगा। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी, और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें ऐसी बहुत सी वीडियोज़ को देखने के लिए। और इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।